आसनसोल शहर जो हमारा है वो शहर है सिटी ऑफ ब्रदरहुड। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं और हम लोग की ख्वाहिश है कि ये भाईचारगी ये तहाद इत्तेफाक बना रहे ताकि आसनसोल डेवलपमेंट के रास्ते में आगे चल सके। रेल पार्क में एक उन्नयन का मामला जो हम लोग के नज़र के सामने आ रहा है वो गरोई नदी का। हर साल सैलाब आने की वजह करके गरोई नदी में पानी घरों में घुस जाता है, तो कोशिश यही रहेगी कि कॉरपोरेशन में आने के बाद इस गरोई नदी के मसला को हल किया जा सके। বিগত যে পুরো বোর্ড ছিল তার যে কাজকর্ম তাতে আপনি কি খুশি? বিলকুল, পুরো পশ্চিম বঙ্গাল মে টিএমসি নে যো কাম কিয়া হ্যায় আর পুরো পশ্চিম বঙ্গাল মে ডেভেলপমেন্ট কা কোই নাম হ্যায় তো ও নাম মমতা ব্যানার্জি হ্যায়। মমতা ব্যানার্জি এক ব্র্যান্ড হ্যায় আর হাম লোগ মমতা ব্যানার্জি কে সৈনিক হ্যায় আর উনি কি লিডারশিপ মে উনি কে সরপ্রস্তি মে হাম লোগ পুরো পশ্চিম বঙ্গাল কে আওয়াম কে লিয়ে কাম কর রহে হ্যায়। দেখিয়ে শহর কে মুকাবলে মে এক সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কা মামলা জো হাম লোগ কে সামনে আ রহা হ্যায় ইয়ে মামলা হোনা চাহিয়ে। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में पार्किंग का एक मामला है, रोड जाम हो रहा है, तो कोशिश रहेगी कि इन दोनों मसलों पर कॉरपोरेशन ध्यान देगी। हम लोगों की सोच ये है कि पूरे पश्चिम बंगाल में डेवलपमेंट ममता बनर्जी ने किया है और ममता बनर्जी का स्कीम का फ़ायदा हर घर के लोगों तक पहुँचा है। लोग जिस परेशानियों में मुबतला है हम लोग उन परेशानियों के खिलाफ में लड़ रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी मैं देख रहा हूँ कि इस वार्ड में कौम के नाम पे मजहब के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, ये सरासर गलत है। हमारा बंगाल एक सेकुलर है, ममता बनर्जी एक सेकुलर पार्टी से है, इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि कौम के नाम पे और मुसलमान होने के नाम पर वोट ना मांगा जाए। वोट अगर मांगा जाए तो डेवलपमेंट के नाम पे मांगा जाए, क्योंकि इस तरह से एक गलत मैसेज सोसाइटी में जा रहा है। हमारा हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, हमारा पश्चिम बंगाल एक सेकुलर स्टेट है, ममता बनर्जी सेकुलरिज्म की एक पहचान है, इसलिए सोसाइटी को ना बांटते हुए आपस में मिलजुल करके काम किया जाए और एजेंडा डेवलपमेंट को बनाया जाए, ना कि कौम के नाम पे वोट मांगा जाए, क्योंकि कौम के नाम पे मजहब के नाम पे वोट मांगने का काम बीजेपी करती है और दूसरी पार्टियां करती है। ममता बनर्जी की पार्टी या टीएमसी की पार्टी मजहब के नाम पर या कौम के नाम पर वोट नहीं मांगती है। हम लोग का सोच है कि पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने डेवलपमेंट का एक जाल सा बिछा दिया है, तो जो जो काम ममता बनर्जी ने किया है, जिन लोगों को फ़ायदा मिला है, हम लोग ममता बनर्जी के सैनिक के नाते और भी जो लोगों तक काम नहीं पहुंच पाया है उन काम को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसी अपील के साथ हम लोग लोगों के पास जा रहे हैं और आप लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप लोग ममता बनर्जी के सैनिक को ही एक बार फिर से मौका दें, इंशाल्लाह पूरे पश्चिम बंगाल में या पूरे आसनसोल में डेवलपमेंट होगा। वोटे जेतार पर अपना प्रथम काज की है? देखिए, वार्ड में जो मसला हम लोग के नज़र के सामने आ रहा है वो पानी का मसला। पानी का मसला बहुत बड़ा मसला है। मुझे मालूम है पिछले 8-10 सालों में लोग पानी के एक एक बूंद को तरस रहे हैं, तो अफसोस की बात है कि 10 साल रूलिंग का काउंसलर होते हुए भी अगर पानी का एक बुनियादी मसला हल नहीं हो पाया तो ये हम लोग के लिए अफसोस की बात है। तो सबसे बड़ा मसला जो पानी का है, आने के बाद इंशाल्लाह हम लोग इसको हल करने की भरपूर कोशिश करें।